आइसोनिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम लोग आज समर्पण जनरल हॉस्पिटल जो जामनगर के पास आई है और वहाँ पे एक्सक्लूसिव एक ऐसी मशीन है और ऐसी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है जो बाईपास नहीं करवाना पड़ता है और पेशेंट ठीक हो जाता है, उनको कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ती है और बहुत ही कम खर्च में वो पेशेंट अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है तो वो हम जानेंगे, यहाँ के जो ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सनत जानी है, मैं यहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ सिंस 18 ईयर्स जी। तो ये जो सुविधा है हमारे यहाँ ट्रीटमेंट वो 20 साल से काम कर रही है जी। इसको ECP बोलते हैं, इनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन जी। और इसमें नेचुरल बाईपास होता है जो कोई भी चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती है, कोई इंजेक्टेबल इंसिजन ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने जो हार्ट होता है उसमें 3 मेजर आर्टरीज होती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। उसके अलावा थाउजेंड ऑफ आर्टरीज होती है जो नॉन फंक्शनल होती है अपने हार्ट में, उसको ये मशीन से हम फंक्शनल करते हैं ताकि जो ब्लॉक होता है, जो हार्ट अटैक की वजह से ब्लॉक हुआ है, तो वो ब्लॉक इसमें अपने आप बाईपास हो जाता है जी। बट ये जो आपने बोला कि 20 साल पुरानी ये ट्रीटमेंट आप 20 साल पहले कर रहे हैं, लेकिन मतलब आप काफ़ी अपग्रेड है अभी ऐसी मतलब जिस जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मेडिकली रिक्वायरमेंट है, अभी लोग काफ़ी अपग्रेड हुए हैं, अभी हुए हैं। सही बात। टेक्निकल देखा जाए तो लास्ट 4-5 ईयर से सब ये टेक्निकली आ रहे हैं सब मशीन्स वगैरह। बट ये आपने 20 साल पहले आपने ये लाए हैं मशीन और अभी तक कितने लोगों को आपने ठीक किया है? अभी तक आई थिंक नियर अबाउट 2200 पेशेंट को हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ट्रीट किया है, जिसका जो पेशेंट का इजेक्शन फ्लेक्शन यानी जो हार्ट का पंपिंग होता है वो तकरीबन 10% तक भी गिर जाता है, तब वो पेशेंट भी हमने अभी तक लिए हैं और वो 10-15 साल से अच्छी तरह अभी अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ अभी जी रहे हैं। जो पेशेंट होते हैं जिसको हम बाईपास नहीं CABG ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जो फिट नहीं होते हैं वो पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमारे जो हमारे ट्रस्ट के महाराज साहब थी जगदीश दास जी महाराज, वो ये इनोवेटिव करके गए थे इधर समर्पण हॉस्पिटल में, उनने उसका ही प्लान था ये सब। और ये जामनगर गुजरात और पूरे इंडिया के लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप ट्रीटमेंट है। जो लोग बाईपास नहीं जाना चाहते, जो बाईपास के लिए फिट नहीं है, जो कोमोर्बिड कंडीशन है, उसके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मतलब अपने गुजरात में ये एक ही मशीन गुजरात में वी वेर पायोनियर इन गुजरात। गुजरात में ये सबसे पहला मशीन समर्पण हॉस्पिटल जामनगर में आया है और पूरे इंडिया में वी आर सेकंड। पहला दिल्ली में आया था, उसके बाद जामनगर में इंस्टॉल हुआ है समर्पण हॉस्पिटल में ये मशीन, उसके बाद भोपाल में कहीं पे और सेंटर में भी हुआ था जी। मगर ये जो जामनगर समर्पण हॉस्पिटल है जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और नो प्रॉफिट नो लॉस बेस के हिसाब से हम ये ट्रीटमेंट देते हैं जी। और बाकी सब जगह पे कोई बात नहीं, जो ये ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं पेशेंट को वो कितने दिनों की होती है और कितने समय की होती है और उसमें खर्चा कितना होता है। जैसे देखा जाए तो बाईपास की सर्जरी अगर कोई भी पेशेंट करवाता है तो उनको बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो लोग कई जगह पे ऐसा भी करते हैं अगर फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं है तो अपनी ट्रीटमेंट भी नहीं करवाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे किस तरह से है? ये 35 डेज का ट्रीटमेंट है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम हर रोज 1 घंटा पेशेंट को ये सिटिंग देते हैं ये मशीन के ऊपर और इसमें नियर अबाउट 35,000-40,000 का पूरा खर्च सब मिला के आ जाता है, जिसमें दो टाइम का पेशेंट को खाना भी रहना भी कैंपस में हम फ्री देते हैं समर्पण हॉस्पिटल की ओर से। तो इसमें कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, ये बहुत ही मतलब कंपैरेटिवली चीप ट्रीटमेंट है और एकदम सेफ ट्रीटमेंट है जी। मतलब इसमें कोई दवाई खानी नहीं है, कोई दवाई तो कंटिन्यू करना है, कार्डियक ऑल कार्डियक डिजीज आर पैलिएटिव नॉट क्यूरेटिव। तो जो बाईपास के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद भी आपको दवाई तो खाना ही पड़ता है फॉर लाइफ लॉन्ग, तो ये ट्रीटमेंट करने के बाद मतलब जब ट्रीटमेंट होती है तब कुछ नहीं है ना,
जैसे बॉटल चढ़ा वो सब इधर नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर कोई बाहर का पेशेंट आता है तो उनको आप कैसे सुविधा देते हैं, क्योंकि बाहर से जो लाके आते हैं उनके साथ कोई ना कोई तो रहता है? श्योर, सही बात है। क्या है हमारे यहाँ बाहर से ही पेशेंट आता है ज़्यादा करके, क्योंकि हम समर्पण हॉस्पिटल है, वो मार्केटिंग नहीं करता है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से पेशेंट यहाँ पे आते हैं कि भाई हमको अच्छा हो गया है, समर्पण में ऐसी सुविधा है। इस तरीके से जो कहीं तो पेशेंट ऐसे होते हैं जिसने जामनगर का नाम भी नहीं सुना होता है, सिर्फ समर्पण का ही नाम सुना होता है, तो उसके लिए रहने के लिए हमारे यहाँ कबीर आश्रम भी है, और जो समर्पण हॉस्पिटल कबीर आश्रम से ही अटैच है, और कैंपस में भी एक पथिक आश्रम करके हमारे ट्रस्टियों ने पूरा बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के रखा है, उसमें भी बहुत नॉमिनल चार्ज से रूम अलॉट करते हैं, उसमें स्पेशल रूम भी है, डॉर्मेट्री भी है, और दो टाइम का पेशेंट को खाना भी फ्री में मिलता है। और इन बिटवीन कभी भी पेशेंट को तकलीफ होता है बिटवीन 35 डेज ट्रीटमेंट के दौरान, तो यहाँ हमारे यहाँ ICU का वेल सेटअप है, छः बेड ICU का है और 3 रिकवरी बेड का भी हमने यहाँ पे अलॉट किया है इसके लिए, तो पेशेंट 24 आवर में कभी भी ट्रीट हो सकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो। ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं, बीइंग ए कार्डियक पेशेंट किसी को कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो कुछ दिक्कत ना, पेशेंट को दिक्कत ना रहे उसका मतलब पूरा ख्याल। सभी चीज़ की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है? हाँ, सभी चीज़ की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है जी। बट पेशेंट जो आए थे अभी तक, आपने बताया इतनी सारी संख्या में आए, 100% वो सही होके यहाँ से गए? हाँ, सही होके। तो कौन से सिटी, कौन से कंट्री से लोग आए थे? पूरे इंडिया से तो आते ही हैं यहाँ पे, गुजरात से, इंडिया से आते हैं, UK से, कैनेडा से, US से, वहाँ से भी हमारे यहाँ बहुत पेशेंट ट्रीट होके गए, उसका पूरा लिस्ट भी हमारे एडमिन ऑफिस में पेशेंट का लिस्ट भी रहता है, मोबाइल नंबर के साथ रहता है, और पेशेंट फॉलोअप में भी 6 महीना 1 साल के बाद हमको दिखा के जाते हैं कि नहीं साहब अच्छा है। हम किसी को दवाई बंद करने को नहीं बोल रहे हैं, दवाई तो लेना ही है, कार्डियक पेशेंट को कभी दवाई बंद नहीं करना चाहिए। और ये है USFDA अप्रूवल ट्रीटमेंट है, दिस इज़ नॉट एनी फिजियोथेरापी और दिस इज़ नॉट एक्सरसाइज, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट राइट, और US FDA अप्रूवल ट्रीटमेंट है। और ये जो टेक्स्ट बुक होता है मेडिसिन का, हैरिसन का, जो पूरे वर्ल्ड में हैरिसन का टेक्स्ट बुक पढ़ा जाता है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, और पढ़ाई में भी ECP आता है। वाह, क्या बात है। तो लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, हमारे जो चैनल के दर्शक हैं और जो अपनी हार्ट की सर्जरी नहीं करवाना चाहता या बाईपास नहीं करवाना चाहता है और नेचुरल ट्रीटमेंट से सही होना चाहता है, तो ज़रूर एक बार समर्पण, ये जनरल हॉस्पिटल है वहाँ की, जामनगर में उपस्थित है, वहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं। सर, अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना हो या तो कांटेक्ट करना, तो कैसे कर सकते हैं? हाँ, यहाँ रिसेप्शन का जो भी नंबर है वहाँ से आप एक बार फ़ोन से बात कर सकते हैं, और हमारे जो डायरेक्टर साहब है डॉक्टर हिमांशु पार्ट साहब। नहीं, अगर बाहर से कोई आपके हॉस्पिटल में आना चाहता है इस ट्रीटमेंट के लिए, तो कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह कुछ अगर? हाँ, हेल्पलाइन नंबर भी है, हमारा वेबसाइट भी है, उससे भी पूरा सर्च कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बुकिंग का सिस्टम नहीं होता है, किसी पेशेंट को हम जो इसके लिए फिट है उसको हम कभी मना नहीं करते हैं। इसका थोड़ा बहुत लिमिटेशन है कि लेफ्ट मेन में ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसे पेशेंट ही लेते हैं कि जिसको ये मशीन से फ़ायदा हो, क्योंकि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, हर एक पेशेंट को हम ये ट्रीटमेंट नहीं देते, जिसको ये ट्रीटमेंट से बेनिफिट होने वाला हो हमको पता रहता है, हमारे साहब को पता रहता है, तो उसका एंजियोग्राफी का रिपोर्ट देख के ही हम फिर ये ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। तो पहले एंजियोग्राफी का रिपोर्ट हमको एक बार भेजना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे ही हमने आज आपको विजिट करवाई, और समर्पण जो हॉस्पिटल है जामनगर में आई हुई है, और वहाँ पे ये एक्सक्लूसिव, कहा जाए तो एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये हमारे गुजरात में ऐसा पहला मशीन है जो बाईपास नहीं करवाना पड़ता है और पेशेंट अच्छा हो जाता है 35 डेज में। और इसकी जो खर्चे की हम बात करें, आजकल सभी को मेडिकल खर्चा ही नहीं, मतलब कि जो मध्यम परिवार से है उनके लिए अगर कोई घर में बड़ा खर्चा आ जाता है तो वो बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। तो यहाँ पे समर्पण में आके वो अपने ट्रीटमेंट ईजी करवा सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में कर सकते हैं आप। इनके लिए यहाँ पे जो नीचे स्क्रॉलिंग में आपको नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पे आप ज़रूर अपॉइंटमेंट लेके या कॉन्टेक्ट करके ज़रूर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और सर आपका भी धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और हमारे ऐसे जो दर्शक है और जिनको भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी बाईपास के लिए, तो ज़रूर आज भी हॉस्पिटल में विजिट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।
ડોમેસ્ટિક વેબ મીડિયા ડિજિટલ ચેનલ વર્લ્ડ વાઇડમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને હું તમને આજે મુલાકાત કરાવીશ સમર્પણ જનરલ હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટી શ્રી વસ્તાભાઈ કેસવાલા સાથે અને તેઓ આ અહીંયા જામનગરની અંદર આ હોસ્પિટલ આવી છે અને તેઓ તેમના ટ્રસ્ટી છે અને જાણીશું આપણે કે આ હોસ્પિટલમાં શું સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. પણ સૌથી પહેલાં આપણે જાણીશું કે આ હોસ્પિટલની શરૂઆત ક્યારે થઈ, કોણે કરી અને સુવિધાઓ શું છે. તો સ્વાગત છે સર આપનું અમારા આ કાર્યક્રમની અંદર. અને જે આ સમર્પણ હોસ્પિટલ છે એ ક્યારે શરૂ થઈ, કયા વર્ષમાં શરૂ થઈ અને કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી? સમર્પણ હોસ્પિટલ એ મારા ગુરુદેવ રામસરદાસજી મહારાજ સાહેબ કબીરાશ્રમના મહંતશ્રી અને મારા બાપુજી જેઠાભાઈ વિરમભાઈ કેસવાલા એનું એક સ્વપ્ન હતું. એટલે એમણે આ હોસ્પિટલનું કામ 1990માં શરૂ કરેલ અને 20 ડિસેમ્બર 1992 આનું ઓપનિંગ મોરારી બાપુના હાથે કરાવેલું. અને પછી ધીરે 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 2 વર્ષ પછી ગુરુદેવે વિદાય લીધી, એના પછી 2 વર્ષ પછી બાપુજીએ વિદાય લીધી. એટલે પછી મારો વારો આવ્યો એ બેસવાનો, કેમ કે હું આમાં પહેલેથી ટ્રસ્ટી હતો. આ રીતે 20 ડિસેમ્બર 1992ના દિવસે આનું ઓપનિંગ કરવામાં આવે. અને પછી ધીમે ધીમે અત્યારે એને 28 વર્ષ થયા ત્યાં સુધીમાં આની અંદર ઘણા બધા વિભાગો અને પૂરેપૂરી જનરલ હોસ્પિટલ આ થઈ ગઈ. એની અંદર સર્જિકલ, મેડિસિન, પેરિયાટ્રિક, ENT આ બધા વિભાગો, ઉપરાંત લેબોરેટરી, પેથોલોજી, પછી રેડિયોલોજી, છેટ, MRI મશીન સુધીની બધી સુવિધા અહીં ઊભી કરવામાં આવી છે. અને ધીમે ધીમે 5 બિલ્ડિંગ, ઇન્ડોર વિભાગ, OPD વિભાગ, આઈ વિભાગ, હાર્ટ વિભાગ અને ઓર્થોપેડિક વિભાગ, આ 5 વિભાગો 5 અલગ અલગ બિલ્ડિંગમાં ઊભા કરવામાં આવે છે. અને અત્યારે 800 થી 1000 દર્દીની OPD સમર્પણ હોસ્પિટલમાં પર ડે છે. અને અહીં અમે આ હોસ્પિટલને 25-30% ના ચાર્જ ઉપર ચલાવીએ છીએ. બહાર જાય પ્રાઇવેટમાં તો 1000 રૂપિયા થાય, તો અહીં 300 થાય. આ રીતે આ હોસ્પિટલ ચાલે છે. અને ડેફિસિટ ખોટ કરીને જ ચલાવીએ. અમે ડોનેશનથી એ ખોટ ભરીએ છીએ. અમારો કોર્પસ ફંડ અમે બનાવ્યો છે, એ ફંડમાંથી જે વ્યાજ આવે એમાંથી અમે આ ચલાવીએ. પણ અમે બને ત્યાં સુધી ભાવ વધારવામાં માનતા નથી. અમારે અહીં 1 પેશન્ટને કન્સલ્ટિંગ ચાર્જ 80 રૂપિયા છે. અને એ 6 વાગ્યા પછી એ જ ડૉક્ટર એની પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં ચલાવવાની છૂટ છે, તો ત્યાં જાય તો 700 થી 800 રૂપિયા કન્સલ્ટિંગ ચાર્જ છે. 400 થી 500 ફિઝિશિયનોના છે. તો આ રીતે ગુરુદેવની આજ્ઞા મુજબ અમે આ હોસ્પિટલને ચલાવીએ. અને આની માટે કદાચ ક્યાંય નહીં હોય, આની માટે અમને અમારા ગુરુદેવ બાપુજીનો એક કડક ઓર્ડર છે કે એ ગૌશાળાનું દૂધ 2 ટાઈમ દર્દીને જોઈએ એ પ્રમાણે આપવાનું છે ફ્રી. અને એની માટે અમે ગૌશાળા બનાવી છે, એમાં 150 ગાયો છે. અને એ 150 ગાયોનું દૂધ અહીં દેતા, જે દૂધ દર્દીઓને દેતા વધે એ સાધુ સંતો માટે આશ્રમમાં જાય, પછી છાસ કરી ગરીબ માણસોને ફરી વિતરણ કરે. આ રીતે અહીંનું બધું ગોઠવેલું છે. અને હવે મેં 2 વર્ષ પહેલાં 200 નાળિયેરીના ઝાડ વાવેલ છે. આવતી સાલથી એ નાળિયેર ઉતરવા માંડશે. એટલે અત્યારે બહાર જે લેવા જાય છે એને 30 થી 35 રૂપિયાનું 1 લીલું નાળિયેર મળે છે. અને આવતી સાલથી એ જ નાળિયેર ટોકન 5 રૂપિયામાં
અમારી કેન્ટીનમાંથી મળશે. ખૂબ જ સરસ, મતલબ આ રીતની સેવા ત્યાગની ભાવનાથી. પછી અમે અહીં ટ્રસ્ટી એટલો કોઈ હોદ્દો સમજતા નથી. અમારી પ્લાસ્ટિકની ખુરશી હજુ તમે બેઠા એ જ ખુરશી, અમારો ચોકીદાર આવી ખુરશી ઉપર બેઠો, બહાર નીકળો એટલે જોઈ લેજો. એટલે અમે અહીં અમારી કે શું તો કે આને શું જરૂર છે, સંસ્થાને શું જરૂર છે, સતત એ વિચારવાનું. પછી અમારો સ્ટાફ સર્વન્ટથી માંડી ડાયરેક્ટર સુધીને શું તકલીફ છે, એને શું જોઈએ, એનું કેવું મશીન હવે કામ નથી કરતું, આ જોવું એ જ અમારું કામ. હું તો ખેડૂત છું, મારા બાપુજી ખેડૂત હતા, મેડિકલ અમારી લાઈન નથી, છતાં પણ એમ થયું કે ઈશ્વર સાથ આપશે અને ગુરુદેવ બાપુજીએ કહ્યું તો વિચારીને કર્યું હશે. તો આ ધીમે 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 એ બે બિલ્ડિંગ કરી ગયા હતા. પછી મારો વારો, હું 28 વર્ષથી અહીં બેઠો છું, પણ પહેલાં 4 વર્ષ એ લોકોમાંથી એક એક હતા અને 24 વર્ષથી હું એકલો અહીં બેઠો છું અને આ ઈશ્વર ચલાવે છે અને એના આશીર્વાદથી ચાલે છે. અને અમારો હેતુ એ છે કે આ સમર્પણ છે ને એને રાગનું રતન બનાવ્યું, એ રતન ટકાવી રાખવું. અને દયાની દેવી અહીં દયા છું કે અમારે અહીંથી સારવાર લઈને બહાર નીકળે, પછી પાછું વારી અને કંઈક મનમાંથી આશીર્વાદ આપતા જાય. એટલે આ ચાલે છે, આ ચાલે છે. બિલકુલ બિલકુલ સાચી વાત છે. કે શું થશે, આવા સંત પુરુષ ત્યાગી પુરુષ 14 વર્ષથી સાધુ થઈ અને થઈ ગયા હતા અને 52 વર્ષ સુધી ડાયાબિટીસની દવા લઈ અને આ બધું ભેગું કર્યું, એ જો ન ચલાવે તો કુદરત ગુનેગાર છે. આવા સંતને એને દીકરો નહોતો, ઘર નહોતો, બંગલો નહોતો. એટલે આ રીતે આ સંસ્થા ચાલે છે. ને ઈસીપી મશીન હિન્દુસ્તાનમાં એસ્કોટ હોસ્પિટલ દિલ્હી અને બીજું સમર્પણ હોસ્પિટલમાં. ત્યારના અમારા મહંત સાહેબ જગદીશદાસજી મહારાજ સાહેબ હતા, એ અમેરિકા જઈ આનો બધો અભ્યાસ કરી ગયા. એ વિશ્વની 8 ભાષાઓ જાણતા હતા અને પોતે એડવોકેટ હતા અને કોપીરાઇટની એની પાસે માસ્ટર ડિગ્રી હતી. એટલે કેનેડામાં હતા, ત્યાંથી આની શોધ કરીને લઈ આવ્યા અને એને પોતાને તકલીફ હતી. પહેલાં પેશન્ટ અમારા મોહન સાહેબ જગદીશ સાહેબ હતા. સામખિયાળી ચેકપોસ્ટ ઉપર આરટીઓ હતા, ઇન્સ્પેક્ટર. હવે તો એ રિટાયર થઈ ગયા, હજી એના ફોન આવે કે હજી હું છું, તમારે હું તમારા હિસાબે છું, કે મારે હિસાબે નહીં, અમારા ગુરુદેવ અને સમર્પણના હિસાબે છો. અને એ રાજકોટના છે, બરાબર છે. એટલે આ રીતે અને દેશ વિદેશમાં, કેમ કે એના 10% થાય છે, 45,000 રૂપિયામાં પૂરી 35 દિવસની ટ્રીટમેન્ટ, જમવાનું ફ્રી છે, રહેવાનું ફ્રી છે અને અહીં કંઈ તકલીફ ન પડે એ જોવું એ જ અમારું કામ છે. પૈસા નથી તો પૈસાની વ્યવસ્થા એને કરી દેવી એ પણ અમારી વ્યવસ્થા. હોસ્પિટલ તો બોજો સહન ન કરી શકે તો ત્યાં અમે 10-15% એવરી ડે ફ્રી કરીએ, બરાબર છે. તો એ ફ્રી કરીએ, એ ફ્રી કરવામાં બહુ જીવ ના હાલે, બોલપેન ના હાલે, એના કરતાં એને ક્યાંકથી પૈસાની વ્યવસ્થા કરી દઈએ. કાલે તો બિલ ભરી દે, એ મારે અહીં કરાવવું છે 3,500 રૂપિયા, તો 3,500 તારી પાસે કેટલા છે, તો મારી પાસે 2,000 છે, તો કાલે હું 1,700 તને મેળ કરી દઉં. ખૂબ સરસ વસ્તાભાઈ, આપને ખૂબ ખૂબ આભાર. આપે જે હોસ્પિટલની માહિતી આપી છે, આ સમર્પણ જનરલ હોસ્પિટલ જે જામનગર ખાતે આવી છે અને ખૂબ ઓછા ખર્ચામાં અહીંયા ખૂબ આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે અને જે પણ પેશન્ટ આવે છે એ સારા થઈને જાય છે અને એનું જે આશીર્વાદ છે એમનું કહેવું એવું છે કે આશીર્વાદથી જ આ અમારી સંસ્થા અને અમારી હોસ્પિટલ આ ચાલી રહી છે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ધન્યવાદ આપનો સાહેબ, ખૂબ સરસ માહિતી આપવા બદલ. થેન્ક યુ.